नोएडा प्लॉट आवंटन घोटाले में जेल भेजे गए आईएएस राजीव कुमार को अब तक यूपी सरकार ने सस्पेंड नहीं किया है। यूपी सरकार के इस कदम पर सवाल उठ रहे हैं। नियम के मुताबिक जेल जाने पर हर अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होती है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी यूपी सरकार ने अब तक राजीव कुमार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की है, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यूपी सरकार राजीव कुमार पर इस कदर मेहरबान क्यों है। अनुराग चड्ढा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अनुराग, कई बार ये भी होता है कि सरकारों का शगल होता है कि वो कागज बैक डेट में साइन करेंगे, लेकिन कई बार ये भी होता है कि सरकार किसी को बचाना चाहती है, तो यहाँ क्या मामला है? जी बिल्कुल शेखर, आपने सही बात कही। सरकार को अगर जो काम करना होता है तो बैक डेट में साइन हो जाते हैं, लेकिन जिन पर मेहरबानी करनी होती है उन पर कार्रवाई करने से पहले छुट्टियों का बहाना कहीं ना कहीं खोजना होता है। तो यही जो पूरा प्रकरण है इसमें देखने को मिल रहा है। राजीव कुमार 48 घंटे से ज्यादा उनको जेल में इस वक्त हो गया है, और जबकि नियम यह है कि कोई भी आईएएस अधिकारी या कोई भी सरकारी अधिकारी 24 घंटे से ज्यादा अगर वो जेल में रहता है तो उसके खिलाफ तत्काल सस्पेंशन की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ना तो कोई मीटिंग हुई है और ना ही अभी तक किसी तरह कोई कार्रवाई हुई है। एक यूपी के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से सुबह मेरी बात हुई थी तो उनसे मैंने कहा कि भाई आप कार्रवाई इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि छुट्टियां पड़ रही हैं और छुट्टियों की वजह से मीटिंग नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है, लेकिन आने वाले वक्त में राजीव कुमार के खिलाफ बर्खास्त की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। जी शेखर,